हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मॉनसून सीजन में छोटे बेबीज का हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इस टाइम पे वायरसेस और बैक्टीरिया हर जगह थ्राइव कर रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ सिंपल टिप्स जिससे आप अपना मॉनसून सीजन सेफ बना सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट पेरेंटिंग इन इंग्लिश देन गो एंड विजिट आवर वेबसाइट momcomindia.info एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स देयर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेबी को टच करने से पहले अपने हाथ एक अच्छे एंटीसेप्टिक लिक्विड से जरूर धोइए, सैनिटाइजर्स को अवॉइड कीजिए। दूसरा, जितना हो सके बेबीज को सेफ मस्कीटो नेट्स में रखिए। बेबीज बहुत छोटे हैं तो मस्कीटो नेट बेस्ट रहता है। अगर बेबीज थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप पैचेस या मस्कीटो क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मस्कीटो नेट आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने बेबी के ऊपर यूज़ किया है, बहुत ही सेफ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तीसरा, बेबी के फीट को हमेशा कवर्ड रखिए। बेबी को सॉक्स पहनाइए, अदरवाइज फुल रोम्पर्स पहनाइए, बिकॉज पैर कवर्ड रहने से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। चौथा, क्लोथिंग की बात करें तो इस टाइम पे बेबी को लेयर्स पहनाइए। लेयर्स से क्या होता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आप अकॉर्डिंगली लेयर को उतार सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। पांचवा, अगर विंडी है और ठंडी हवा चल रही है तो बेबी को कॉटन की कैप जरूर पहनाइए, जिससे कि उनका ईयर कवर्ड रहे। चाहे बेबी बाहर हो या घर पे हो, आपने फैन चलाया हुआ है, हवा ठंडी है या एसी की ठंडी हवा आ रही है, तो उनके सिर को और कानों को जरूर कवर्ड रखिए। ये कैप्स जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये भी मैंने अपने बेबी पे यूज करी है, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। छठा, बेबी की बॉटल्स और सारा रेलेवेंट इक्विपमेंट जो स्टेरिलाइज हो सकता है उसे स्टेरिलाइज जरूर करिए। बेबी का कोई भी इक्विपमेंट प्रॉपरली वॉश किए बिना बेबी को मत दीजिए। सातवा, बेबी को अगर आप पानी देना शुरू कर चुके हैं तो मेक श्योर आप इस टाइम पे बॉइल्ड पानी ही पिलाएं। इनफैक्ट बेबी के खाने के लिए भी आप बॉइल्ड पानी का ही यूज करें। अपने पास आप एक फ्लास्क रख सकते हैं जिसमें पानी को बॉइल करके सेफली यूज कर सकते हैं अप टू 24 आवर्स, ताकि आपको रश में बेबी को दूसरा पानी ना देना पड़े। एट्थ पॉइंट है कि अगर आपने बेबी को अब सॉलिड्स पे स्टार्ट कर दिया है तो मेक श्योर जो बेबी फूड हो वो प्रॉपरली कुक्ड हो, फ्रेशली कुक्ड हो और हाइजीनिकली कुक्ड हो। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवॉइड करें जिनमें मॉनसून में कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। मॉनसून के लिए क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेस्ट रहते हैं, इस पर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी के कपड़ों से रिलेटेड। इस टाइम पे बेबी के कपड़े प्रॉपरली सूखते नहीं है, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर रह जाता है। इस मॉइस्चर के साथ जब हम कपड़े बच्चों को पहनाते हैं तो उससे उन्हें इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं, तो मेक श्योर आप बच्चों के कपड़ों को प्रॉपरली ड्राई करें और हो सके तो उन्हें आयन करें और फिर बच्चे को पहनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है रूम टेम्परेचर से रिलेटेड। तो इस टाइम पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा स्वेट आता है अगर हम बच्चों को प्रॉपर एनवायरमेंट में ना रखें। इस स्वेट की वजह से बच्चों को स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो आप आराम से एसी चला सकते हैं। बस एसी का टेम्परेचर 24 to 27 के बीच में रखिए, जिससे कि एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और बच्चे स्वेट भी नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेनलीनेस से रिलेटेड। तो चाहे आप बेबी को रोज बाथ नहीं दें, बिकॉज थोड़ा सा सीजन चेंज हो रहा है, बट जस्ट मेक श्योर कि आप उनके नेक का एरिया, आगे का, पीछे का, उनके आर्मपिट्स और डायपर एरिया को रोज प्रॉपरली क्लीन करें और प्रॉपरली उसको ड्राई करें। अगर आप यहाँ पे कोई ऑइंटमेंट या कोई चीज लगाते भी हैं टू कीप इट ड्राई, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट क्लीनलीनेस ऑफ दीज एरियाज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी तरफ से है कि फ्लू शॉट बच्चे को जरूर लगवाएं। अगर आपका बेबी 6 मंथ्स का हो चुका है तो वो फ्लू शॉट के लिए एलिजिबल है। अपने डॉक्टर से बात कीजिए और फ्लू शॉट लगवाइए। इस टाइम पे फ्लू सीजन स्टार्ट हो जाता है। फ्लू वैक्सीन अब मार्केट में आ चुकी हैं। ये ऑप्शनल वैक्सीन होती है, मैंडेटरी नहीं होती, इसलिए काफी पेरेंट्स इसे नहीं लगाते। फ्लू शॉट लगाने का ये मतलब नहीं होता कि बच्चे को फ्लू नहीं होगा, बट यस, इसका मतलब ये होता है कि वो सिवियर नहीं होगा और हॉस्पिटलाइजेशन तक लीड नहीं करेगा। तो जितनी अपनी तरफ से हो सके इसको जरूर प्रिवेंट करें। तो इन प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए और मॉनसून सीजन को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। दिस इज अ वेदर वी ऑल लव, बट वी नीड टू लव इट कीपिंग अ लॉट ऑफ दीज पॉइंटर्स इन माइंड। मॉमकॉम इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।